केंद्र स्थापना अवसर पर किशोरावस्था के बच्चों हेतु जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महत्व व बच्चों को बाल शोषण से कैसे बचाया जाएगा विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर राज्य नोडल अधिकारी अनिल मलिक ने कहा कि जीवन जितना सरल और सीधा नजर आता है उतना होता नहीं है। जीवन सदा अच्छा ही मौजूद रहे ये मुमकिन नहीं, लेकिन उलझनों को नजरअंदाज करना भी तो समाधान नहीं है। इसलिए जीवन में संघर्ष व विपरीत परिस्थिति में डटे रहना पड़ेगा और उसके लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण जरूरी है। जीवन के संघर्ष के लिए जरूरी ज्ञान है सकारात्मक व्यवहार, यह सीखना पड़ेगा। यह सीख एक पत्थर से भी ली जा सकती है जो सख्त होते हुए भी नरम गुणशील प्रेरक होता है। आज इंटरनेट स्मार्टफोन का जमाना है, बच्चों को कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण देना पड़ेगा। सामाजिक कौशल, चिंतन कौशल, भावनात्मक भाषा कौशल व्यवहार, आत्म व कुशल नेतृत्व कौशल सबको सीखना होगा। जैसे जीवन में चलते रहना जरूरी है, इसी तरह सीखते रहना जरूरी है। आज के वातावरण में नकारात्मकता फैली हुई है, कुशलतापूर्वक मनोवैज्ञानिक मनोस्थिति को समझते हुए बच्चों को सही ज्ञान देना होगा। आज की जरूरत जानकारी से ज्ञान के तरफ बढ़ने की है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा शिक्षण संस्थानों को सरकार की कार्य योजनाओं में कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, खुद पहल करनी पड़ेगी। बच्चों का उत्थान और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर अपने अपने स्तर पर निरंतर प्रयास करेंगे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का उद्देश्य यही है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से किशोर मन को सही दिशा दी जाए, एक दोस्ताना हाथ बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले जीवन में एक ऊर्जावान युवावस्था की तरह हमारे बच्चे अग्रसर हों। मकसद ये है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा बच्चों के बेहतर कार्य योजनाएं कैसे तैयार की जाएं, उनके मन में जो समय समय पे अलग अलग परिवेश में घटनाएं घट रही हैं उससे नकारात्मकता जो फैली हुई है उसको दूर कैसे किया जाए, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए और चिंता और द्वंद से दूर करने के लिए पढ़ाई है, उनके खेल के क्षेत्र है, उनका पूरी तरह से जीवन में कैसे निखार आ सके, हम वो मदद करना चाहते हैं। और इस कार्य योजना को आज जिले में हमने शुरुआत कर दी है। हमारे काउंसलर्स यहाँ समय समय पे आके अपनी सेवाएं देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आस पास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर।